हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मेटर भोजपुरी, जिस पे हम लोग अक्सर इंटरव्यू का वीडियो लाते रहते हैं। लेकिन आज कुछ हटके है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आप जानते हैं कंट्रोवर्सी होते ही रहता है। और हर एक 7 दिन 8 दिन यानी 15 दिन के लगभग कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होता रहता है, कोई ना कोई मैटर आता ही रहता है, ठीक है। और वो भी मैटर जो खेसारी रिलेटेड होता है, वही मैटर आता है। तो आज बहुत दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, 3 4 दिनों से, कि सौम्या पोखरियाल जी जब से आई हैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है, कभी उनको टैटू के लिए तो कभी उनका खेसारी जी के साथ काम करने के लिए। तो इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद इस वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ सौम्या पोखरियाल के। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। कौन है, कौन सी, हम बोले थे तो बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है यहाँ पर कि सोम्या का ये है वो है। हम जिसको जानते नहीं है जबरदस्ती है क्या भाई, हम जान लो उसको, पहचान लो। हम नहीं जानना चाहते, वो इंसान को जानते नहीं है तो जबरदस्ती है, पहचान लो, जान लो। रहा बात यहाँ लोग कुछ लोग बोला था लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बदनामी होता अतहानी के 2 साल पहले से मसूरी लाल कहा था, लेकिन अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार से ट्रेंडिंग स्टार के तो भोजपुरी के इज्जत तो मेरा नहीं खेजात। वो कहाँ के हवन, भोजपुरी इंडस्ट्री के ना हवन। रहा बात कुछ कहे के तो हम सबसे पहले खेसारी जी के फैन है, ओकरा अलावा कुछ है, ठीक बा। अगर उन्होंने बड़का स्टार ना है कि हमारा कुछ हो जाए, हम सबसे पहले खेसारी जी के फैन है। तो उनके तरफ से ये कहे के चाहता नहीं, वो तहानी जैसा आदमी से मुंह ना लगेल, ठीक बा। उनका तरफ से बहुत सीधा आदमी बना हूँ, क्योंकि उतना फुर्सत नहीं है क्योंकि वो जवाब दियन। तो वैसे हम देखे नहीं उनका हर वीडियो, हर हाउ कौन नेता पोटाहा कौन बालोग के कह लोग मसूरी लाल यादव कौन है, पवन सिंह नहीं जानते, जरूरी है जानना। भोजपुरी इंडस्ट्री में हम खेसारी जी को जानते हैं, मनोज तिवारी जी को जानते हैं, हीरो जी को जानते हैं, ये लोग है स्टार, कौन है पावर स्टार हम नहीं जानते। तो जैसे कि रहुआ सब वीडियो देख रहे सौम्या पोखरियाल के, और सौम्या पोखरियाल वीडियो में क्या क्या कह दें। अगर रउआ वीडियो खातिर नया बनी चाहे सौम्या पोखरियाल के वीडियो रउआ नहीं दान, और कैसे एंट्री भइल भोजपुरी में और कितना बड़ा विवाद हो गई, कैसे शुरुआत भर नहीं खे मालूम, तो हम शुरू से बताते हैं। सौम्या पोखरियाल एगो टिकटॉकर रही, मतलब नेपाल में, वो टिकटॉक वीडियो बनाते रहे, टिक्की वीडियो शॉर्ट टाइप के वीडियो बनाते रहे। तो उनका पता ना स्क्रिप्टेड प्लान हो कि या फिर जैसे भी हो, वो खेसारी लाल के टैटू बनवाली अपना हाथ पे, और जानते बनी छोटा मोटा मतलब बात के भोजपुरी में कितना बड़ा बना दिया जला। तो मीडिया उडिया में ये सब दिखावल गई, और इवन थोड़ा हम रुके के चाहते, और मीडिया से कह के चाहते हैं वैसा ही चीज़ के सपोर्ट करी जाना, चीज़ के मतलब भोजपुरी में ज़रूरत बा। तो ऐसा ही मीडिया में थी देखेलस, और यूट्यूब पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल जाता फटक दे कौन बात, बहुत ज़्यादा वायरल हो गए कि खेसारी के टैटू वाल सौम्या पोखरियाल बहुत बड़ा फैन है। और उस वीडियो में पता ना रो रो के भी कह रही कि हम खेसारी के बिना नहीं जिएंगे, मर जाएंगे उनके साथ, ये वो पता नहीं क्या कहा। तो ऐसे खेसारी के एंट्री भाई, खेसारी जी के साथ एंट्री भाई सोमे के, और टैटू के मतलब चलते, जैसे टैटू समझ ली एक तरह की कर पासपोर्ट रहे, एंट्री भाई कर, और बाद से खेसारी के मतलब रेल रेल के माइक, और मीडिया पूछ लगल कि मतलब खेसारी जी इसके साथ कैसा काम करना चाहेंगे, किस एल्बम में काम करेंगे, कब तक इनके साथ वीडियो आएगा। और मजबूरन चाहे स्क्रिप्टेड जो भी हो, खेसारी के साथ काम करन, और उस गाने का विवाद एक बाबे अलग से पर हम वीडियो बनाएं और वो के अच्छा से समझाएं। लेकिन इतना अभी वीडियो में कह सकते हैं कि गाना काम कर लिया जान के हमारा हरदी लगे, ऐसे ही वो हरदी वाला संग पर भी बहुत विवाद भैल हो, और सौम्या पोखरियाल उस गाने में रहे तो और ज़्यादा विवाद हो। तो ऐसे एंट्री भैल, और फिर से सौम्या पोखरियाल को इंटरव्यू में कह रही कि थी, जिससे मीडिया वाले भाई पूछ रहे कि आप पवन सिंह को जानते हैं, तो वो बोले रही कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, कौन है पवन सिंह, बस इतने बात हो, और इतने विवाद है कि सब ये सब है। और मान ली कि केहू भी बुरा लगी कि एगो स्टार के चिन्ह तरी और एगो स्टार के भोजपुरी में, मान ली कि सबको स्टार है, जो भी गाते स्ट्रगल करते वो भी, जो नहीं करते वो भी, मान ली कि स्ट्रगल कर ले बढ़ल तब लोग पहुँचल बढ़ल। और खास करके बुरा ये लिए लागल कि मान ली कि अगर खेसारी के सौ फैन बा, तो पवन सिंह के 100 फैन है, और पवन सिंह के बहुत जितना भी फैन रहा उनका सबके बुरा लागल, कहे के भी ना चाहिए सौम्या पोखरियाल के। तो इतने लाइन हो कि सौम्या पोखरियाल बस कह दिली कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, कौन है पवन सिंह। अब युवा हम एगो बात पब्लिक से कहे के चाहते हैं, देखिए रघु अपन स्टार जावना के भी बनाए भोजपुरी श्रोता जे भी बा, जे भी वीडियो के देखता भाषा के समझता रघु, वैसा आदमी के स्टार बनाई, वैसा आदमी के मतलब बढ़ावा दी जौन मेहनत और ओहदा के मतलब जानत हो कि एक और प्रतिष्ठा मतलब का बा, और कितना मेहनत से मिलेगा, ठीक बा।
ना तो अगर कुत्ता के भी घी देवनू तो ओकरा से पछी हो चीना। ठीक बा, अब हम का कहे के चाहते रहो समझदार तो समझ गए। और रहल स्टार लो जौन भोजपुरी के ऊपर चढ़ के बैठल बा, खास करके तो दुए जना विवाद में रह लो हमेशा पवन सिंह खेसारी, तो हम इन दू जना से बस ये कहे के चाहतनी कि देखिए अगर अगर कम पड़ गए भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़का और लड़की सन के काम करे वाला तो बनाई रहुआ रहुआ हाथ में बाय स्टार बनावल, लेकिन एगो इंटरनेशनल लेवल से दूसरे उठा के भोजपुरी इंडस्ट्री में डाल के खुद से हुआ का अपन बुराई करवा कहाँ तक अच्छा बा रहुआ बताई। मान ली के रहुआ खेसारी जी रहुआ मान ली के रहुआ पापा के मतलब दू भाई रहुआ बहन रहो। ठीक बा, रहुआ बहुत नाम कमा लेनी जैसे कि कमैले बहन, छोटका भाई रहो मान ली कि उहो कमैले बा रहुआ से ज़्यादा उ कमैले बा, लेकिन अब राउर भाई आके रउरा भाई छोट भाई के फैन आके आ रउआ दुआर पर कहो कि उ के हम हाँ, हम जानते ही नहीं थी, तो रउआ कैसा लगे रउआ पापा के मम्मी के कैसा लगे रउआ घर वाला के कैसा लगे। सेम उहे हाल भइल बा भोजपुरी के श्रोतागण के और खेसारी लाल और सॉरी पवन सिंह के जितने भी फैन बड़े। ये भोजपुरी के दो सुपर स्टार मतलब हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे वाली पवन सिंह खेसारी, एक के बारे में सुमे पोखरियाल जी जानत रहे ओकरा बिना ना रहे मर जे, और एक के जानते नहीं कि जाने के साला पूरा दुनिया पूरा मतलब ऑल वर्ल्ड जानते ओकर गाना ऑल वर्ल्ड बाजल भोजपुरी में केहू के दम नहीं का वो पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड में गाना बजा दे, केहू के दम बा केहू के नहीं दम जैसे भी बाजल ओके, लेकिन बाजल बा कि ना सा नाम पहले वाला कि ना कि हाँ पवन सिंह का लॉलीपॉप पूरा ऑल वर्ल्ड में बाजल बा। तो देखिए खेसारी जी रवो में ये सब गलती बा, और खास करके मैं कहे के चाहता नहीं सोमया पखरिया जी कि अगर जब रेवा रिसर्च करत रहनी रेवा जब रिसर्च करत रहनी कि हाँ भोजपुरी में कौन कौन से स्टार बढ़न, तो वो रिसर्च में ये वीडियो में रेवा सुनबे कहीं ना कहीं तो कहलिए कि मैं मनोज तिवारी को जानती हूँ, दिनेश लाल यादव को जानती हूँ, खेसारी जी को जानती हूँ, और बाकी के रवि किशन के नहीं खुद जाना, पवन सिंह का नहीं खुद जाना, रितेश पांडे का नहीं खुद जाना, तार रिसर्च के कहले भाई आधे कहले बकाऊ, तो कोनो भी बात तू सोचे से पहले टॉपिक जाने से पहले ओकरा बारे में रिसर्च करो और बाद जानो। और तू कहले रहतू कि रितेश पांडे को नहीं जानते हैं और ये जो और कोई सिंगर के कह दे रहा तो इन तरह कम मतलब आलोचना सुने के मिली, लेकिन तू पवन सिंह के कहले बड़ू जा रहा कि तू संगे काम करते रहू खेसारी लाल के वीडियो में आके वो कहले बन कि ये मेरा भाई है और ये मेरे बड़े भाई है और ये मेरे पिता समान है, तो जब जामने के बदौलत तारा काम मिलता अगर वो कह सकता कि हमारे भाई बराबर है और बड़े बराबर सॉरी पापा के बराबर है और गार्जियन बराबर है, तो समझ लो अगर तहार गार्जियन ओकरे के गार्जियन कहता तो फिर ओकर सामने तहारा का औकात बा, और तू का मतलब का ना ये चीज से कह सकते कि हाँ पवन सिंह को नहीं जानते हैं, पवन सिंह का नहीं जानते कबो अकेला में जाके खेसारी लाल से पूछ लियो ना कि पवन सिंह कौन है, ठीक है अब पता चल जाए कि पवन सिंह कौन है, अगर ओकरा बादो भी पता ना चलो तो कबो आज ही बहरी अब पूछ लिया पब्लिक से कि पवन सिंह कौन है मैं नहीं जानती हूँ। जेंगत जितने स्पीड से आए रहू इंडिया में और भोजपुरी में काम करें उतने स्पीड से चले जेबू नेपाल, और नेपाल गेला के बाद पता ना चली कि अब टिकटॉकरों पर काम देखे मिलत तारा। ठीक बा, और मैं लास्ट में बस इतना कहे के चाहता नहीं हम भोजपुरी श्रोतागण से कि देखिए बात की जितना फैलावल जाए उतना फैली। ठीक बा, वो तो चाहती है कि हम कंट्रोवर्सी में रहें, अगर वो अगर कंट्रोवर्सी में रखें तो बस मिलजुल के खेसारी के फायदा हुई नाम जाम बड़ी और पवन सिंह की आलोचना हुई और टैटू गर्ल के बहुत ज़्यादा थी और भोजपुरी के बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, खास करके नेपाल भी नेपाली में जे भी लोग बबू कि एगो हमनी के अकेले जाके लड़की हिला दिलस पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के खलबली मचा दिलस मतलब छत भी छत कर दिलस। अगर ये सब मैटर पर ध्यान देम कि तो रउआ जौन जनरेशन बा आगे आवेली स्टार बन राउर लड़का बनी चाहे लड़की बनी जे भी बनी ओकरा काम के मौका ना मिल पाई काहे से कि कंट्रोवर्सी में उलझ रहे। ठीक बा, तो प्लीज ये सब बात के बढ़ावा मत दी और बात की जो सच्चाई रहो देखने में टैटू बना के फेमस हो गए और रहुआ जितना घिंचे उतना फेमस रहते, तो प्लीज ये सब बात के बढ़ावा ना दी ताकि आवे वाली नए कलाकार के नए सिंगर के नए एक्टर के मौका मिल सको और भोजपुरी कम से कम अबो से सुधरो। भोजपुरी में कोनो फिल्म के नाम से जाने पहचान मिल रहा कोनो फिल्म से पहले के जन मिल गए बा तन मिल गए बा गाना के चाहे फिल्म, लेकिन अभी ना मिली क्या सको सत्रह पत्रह को स्टार बन लेकिन कोनो शुद्ध फिल्म ना कोनो को शुद्ध गाना ना बस खाली कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी वो करे गए वो करे मार बस ये सब चल रहा बा। बाकी सब वीडियो कैसा लागल हमारे को प्लीज बताएं, और इमें केहू के एक तरफा चाहे मतलब बड़ाई उड़ाई हम ना करनी और जैसे भी बा पब्लिक के सामने बात रखल जाला, और बाकी वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।